ये बात आपकी ठीक है कि और खास तौर पर जिस तरीके का एक वातावरण हम सब देख रहे हैं, एक खास तौर पर एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और जम्मू कश्मीर का वातावरण जो है वो ख़राब करने की कोशिश कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स द्वारा वो लगातार की जाती है। उग्रवादी लगातार से कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और आज सुबह से जैसे ही हमें ध्यान में आया हम सब अपने कार्य छोड़कर सीधे यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन, मैं देख रहा था कि CRPF के जवान भी जो हैं लगातार से उनकी तमीज़दारी में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल की प्रिंसिपल, उनके सुपरिटेंडेंट और उनकी पूरी टीम लगातार से इस ध्यान में है और इंस्ट्रक्शंस हालांकि उनको सरकार की तरफ से आई हैं और हमने भी ये कहा है कि फ्री ऑफ कास्ट सर्विस जो हैं उन बच्चों को मिलनी चाहिए जो यहाँ से जख्मी हुए हैं। कुछ बच्चे पेपर देने आए हैं, कुछ बच्चे, कुछ लोग शादी अटेंड करने के लिए आए थे। हालांकि जो हमारे ध्यान में आया है 27 लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और लगभग थोड़ी देर के बाद, तमीज़दारी के बाद उनको फ्री किया जाएगा, लेकिन 3 लोग जो हैं वो थोड़े ज़्यादा जख्मी हैं, थोड़े सीरियस हैं और उनका ऑपरेशन चल रहा है और मेरा मानना है कि जल्द से जल्द वो भी ठीक होंगे। और ख़ास तौर पर जो प्रदेश की स्थिति को ख़राब करने की उग्रवादियों द्वारा जो कोशिश है, पाकिस्तान लगातार से इस तरीके से प्रयास करता रहा है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू हो, यहाँ का एक वातावरण ख़राब करने की, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा प्रशासन जो है कोशिश करेगा और हम लोग लगातार कहीं अगर कोई चूक होगी, चूक हो रही है, उस चूक को भी हम लोग दूर करने का प्रयत्न करेंगे ताकि एक जम्मू कश्मीर में एक अच्छा वातावरण।